लास्ट ईयर भी शिवा स्टूडियो था, वहाँ रोहित बार और मैंने फैशन शो किया था, और इस बार कल एट्रो इंटरनेशनल डिज़ाइनर का था और आज मेरा शो था. एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज लास्ट ईयर आई थिंक आई ब्रोक अ रिकॉर्ड. मैंने इतने फैशन शोज़ किए हैं बैक टू बैक एंड इतनी फिल्में की हैं. एंड दिस ईयर 2011 हैज़ स्टार्टेड विद अ फैशन शो. इट्स द फर्स्ट फैशन इवेंट ऑफ दिस ईयर. सो आई थिंक फुल क्लॉथ को टू शिवा स्टूडियो बिकॉज अभी 2011 फिलहाल शुरू ही हुआ है एंड वी आर हियर विद अ फैशन शो एंड अ फैशन इवेंट. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी बिजी ईयर. ये शिवा स्टूडियो है और शिवा के साथ मेरा एसोसिएशन अब दो साल से है, जहाँ इन्होंने म्यूजिक फैशन आर्ट सबको एक उन सब का मिलन किया है बहुत इफेक्टिवली. तो शिवा स्टूडियो इन सब तीनों एस्पेक्ट्स का मिलन है. तो आज शिवा स्टूडियो में मनीष मल्होत्रा का बहुत बड़ा दर्शन था, बहुत बड़ा शो था. मनीष ने एक फैशन ब्रॉडवे का थीम अपनाया और ये ब्रॉडवे और फैशन को कंबाइन करके उन्होंने बहुत ही एक अच्छा 20 मिनट का शो आज सबको दिखाया. और शिवस जैसे कि मैंने कहा, मैं एसोसिएटेड हूँ शिवस से, न्यूयॉर्क से कान तक और मुंबई दिल्ली हर जगह मैं ट्रैवल कर चुका हूँ शिवस के साथ. और आज तो मेरा होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मनीष मल्होत्रा भी है जिनकी एसोसिएशन मेरे साथ अब 20 साल से है और शिवस और मैं भी एसोसिएटेड हूँ 2 साल से. तो मैंने सोचा ये थ्रीसम जो है हमारा, तो आज अच्छा एक कम्बाइन हुआ हमारा. Well, you know, the thing is when you're celebrating winter, when you're celebrating an evening wear collection, the collection was very me. There was a lot of glamour, grandeur, I think. And there were Indian clothes, very, very flamboyant Indian clothes, cocktail wear and party wear. And that's what I believe in doing. As a brand, I love Indian wear. I love our culture. I love the colors we have, the fabrics that we have. And I think why a red carpet pe gown? Yeah, a dress. I'm not against it, but why not a sari? Why not a fabulous lehenga? Why not a fabulous kurta? So for me, under my label, I do primarily Indian clothes and evening wear Indian clothes, which are grand glamour. And so I'm just happy being here and going on making clothes that I love to. And I'm so happy that Shiva Studio started this whole thing this year, like I said, and many more to come.